कोई नहीं ध्यान देता कि हमारी इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज क्या थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े योद्धा, कितने बड़े बड़े देव देवताओं के साथ उन्होंने संघर्ष किया, सबको मार गिराया। इतना तक कि जो हमारे देवी दुर्गा का पूजा सब लोग करते हैं उसको कौन मारा था? वो लोग असुर जो परेशान किए थे, असुर बलवान थे, देवी को देवता को किसी को उन लोग टेते नहीं थे, असुर बलवान थे। हम उस असुरों का संतान है, हमारा जो निषाद वंश चल रहा है जन्म से, बहुत बलशाली थे और आज भी बलशाली बनने की कोशिश करिए। कोई भी ऐसा नहीं है बस अरे मन लाही ना, तो अपने अंदर जोश रखो, जोश रखो कि अरे हाँ हाँ हम मल्लाही हैं। कौन था मल्ला? निषाद गोहराज निषाद था मल्ला, रामचंद्र का सखा था मल्ला, हम उसके औलाद हैं। ब्राह्मण पंडित होंगे किंतु हमारे बराबरी का नहीं है वो। हमारा जो प्रयागराज बना है, हमारा पूर्वज है प्रयाग, हमारा पूर्वज है तीरथ, हमारा पूर्वज है कल्लू। निषाद राज का आजा पुरखा का नाम पड़ा था तीरथ राज निषाद कल्लू। मोदी ने यहाँ उतरे थे तो क्या बोले थे? मोदी ने जब यहाँ उतरे थे प्रयागराज में तो क्या बोले थे? बोले थे कि मैं जिस धरती पर पग रखा हूँ ये धरती हमारे निषादों की है। आज क्या किए उन्होंने, सारे निषादों को भूखे मरने के करार पर ला दिए। तो हम जो वाणी को बोले, जिसको हम नमन करें, आग वो सब भूल गए। बेटी का उसे शादी कर रखा, यही जो सरकार है यही लोग हैं सब उसमें, तो हम लोग हथियार नहीं मना सकते, विरोध हो सकता है, तो इसलिए चुना गया कि अपने ही समाज में मनाया जाए। रहेगा तो और बड़ा कार्यक्रम करेंगे, और लोग आएंगे, और जितने पूरन देवी पूरा आ जाएगा, पिक्चर जो बनी वो आएगी, जिसके साथ व्यर्थ हुआ, जिन लोगों ने साथ दिया सब कुछ आएगा। तो हमारा काम आज, मैं एडवोकेट मदन सरोज हूँ और आप लोगों के बीच आया हुआ हूँ, और हम लोगों का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि जो हमारे समाज की बहन बेटियां हैं, जिन्होंने अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लिया वीरता के साथ, उनको हम जन जन तक पहुंचाएं। आज ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इनको कितने लोग इनको जानते हैं, पहले से कितने लोग जानते हैं? तो जानते होंगे, तो वो ये भी जानते होंगे इनके साथ क्या घटना हुई थी। आप लोग जानते होंगे इनके साथ आज से लगभग 40 साल पहले की बात है, जब SC समाज के लोग अपने SC ST दलित समाज के लोग बहुत दबे हुए होते थे, बहुत गरीब हुआ करते थे, तो उस समय जब ये मल्लाह परिवार में ही पैदा हुई थी, निषाद पर अपने ही समाज में पैदा हुई थी मल्लाह समाज में, तो छोटी जाति होने के नाते जो उस गांव के जमींदार ठाकुर समाज के लोग थे इनको बड़ा परेशान करते थे, तो माँ बाप तो इनके दब्बू थे, सब सह लेते थे, लेकिन ये लड़की जो है विरोध की, जब विरोध की तो इसके साथ जो है बहुत गलत किया गया, गाँव में ला करके कई ठाकुरों ने इनका सामूहिक गलत काम किया, बहुत मारा पीटा। देखिए ये गरीब परिवार के लोग थे, कुछ कर नहीं पाए, ये जो डाकुओं के साथ चली गई, डाकुओं के साथ रहने लगे, गिरोह बना ली, और जिन लोगों ने इनके फूलन देवी जी के साथ गलत किया था, एक दिन वो आज ही के दिन 14 फरवरी 1981 को बहमई गांव, जिस गांव में इनके साथ ठाकुरों ने गलत काम किया था, उस गांव में ये अपने पूरे ठाकुर डाकुओं के गिरोह के साथ आई और ठाकुर बस्ती की एक एक लोगों को घर से बाहर खींच करके लाई, और जिन लोगों ने इनके साथ गलत किया था उनको 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था, और इस तरीके से उन्होंने अपने साथ हुए अपमान का बदला लिया था, और बाद में इन्होंने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद मुलायम सरकार में ये मिर्जापुर से सांसद भी रही हैं, और अंत में 2001 में इनकी एक ठाकुर शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति इनकी हत्या कर दिया गोली मार के। तो ऐसे बहादुर महिला जो कि हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, आज देखता हूँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ लोग गलत काम करते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो हम समझते हैं कि जिस दिन अगर आज अपने समाज की लड़कियाँ इनको अपना आदर्श मान लें, इनका अनुसरण करना शुरू कर दें, तो अपने लोगों के साथ इस तरह की हरकतें होना बंद हो जाएगी।
बस लड़कियों के साथ गलत इसलिए होता है क्योंकि वो विरोध नहीं करती है। अभी कोई लड़की जाती है मार्केट में, कोई लड़का आता है बदतमीजी करके चला जाता है, लड़की कुछ नहीं बोलती, सोचती कि इज्जत की बात है। इससे क्या होता है, लड़कों का मन बढ़ जाता है। अगर उसी समय वो लड़के लड़की जिसको साथ बदतमीजी होती है वो उसी समय कॉलर पकड़ खींच ले और उसके बाद वहीं चप्पल तक मारना शुरू कर दे, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी लड़की के साथ बदतमीजी करें। तो ऐसे लोगों के लिए ये हमारी फूलन देवी जो कि हमारी आज माँ समान है, ये जो है एक आदर्श है, हम सबको इनको अपना आदर्श मानना चाहिए। और किसी भी जाति अत्याचार के हो या फिर किसी भी तरीके अन्य बदतमीजी हो, हमको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे वर्तमान बीजेपी सरकार में जो इन्होंने इनकी हत्या किया था, शेर सिंह राणा जो कि वो भी ठाकुर था, उसका कहना था कि अपने 22 ठाकुरों को जिनकी हत्या किया था मैं उनके बदला लेने के लिए जो है इनकी हत्या किया हूँ। तो उस बंदे को आज भाजपा सरकार ने उसको आज वो एक विधायक का दामाद बना है, मतलब जिसको जेल में होना चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, वो आज विधायक का दामाद बन करके ऐश कर रहा है। तो ये आज हमारी सरकार की देन है कि जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और गरीब तबके की एक महिला के साथ उनको खुलेआम हत्या कर दी गई। तो हम आप लोगों से बस यही चाहते हैं कि हम अपने घरों में अपने महापुरुषों की तस्वीरें लगाएं जो हमारे समाज के रोल मॉडल हैं, जो हमारे समाज के लिए कुछ कर रही हैं, जो हमारे समाज के लिए एक आदर्श हैं। तो हम इनकी तस्वीर अपने घर में क्यों ना लगाएं। हाँ, हमको तो भगवान के नाम पर बरगलाया जाता है। आज यही देखिए कि अभी कल की घटना कई लोगों पता चला होगा, कानपुर देहात की घटना कितने लोग पता है कल की जो घटना हुई कानपुर देहात में। दलित समुदाय के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की कथा सुनाई, जैसे लोग भीम चर्चा वो करते हैं, शिव चर्चा करते हैं ना गाँव गाँव में, तो उसी तरीके से अंबेडकर चर्चा हुई, भीम चर्चा हुई, तो वहाँ पर ठाकुर समाज के लोगों ने कुल्हाड़ी फरसा बल्लम लेकर के पूरे दलित बस्ती पर धावा बोला और 35-40 महिलाओं बच्चों को कुल्हाड़ी से मार दिया, जिनमें से 3-4 महिलाओं की स्थिति इतनी गंभीर है कि उनकी स्थिति एकदम नाजुक है, वो मरने की स्थिति में है और प्रशासन के सामने पुलिस के सामने ये सब घटना हुई है। तो हम ये कहते हैं कि आप सभी लोग संगठित रहें और जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक आप साथ कोई भी आएगा मार के चला जाएगा। दूसरी बात हम ये देखने को मिलता है साथियों कि जैसे कभी आपके साथ बगल पड़ोसी के साथ कोई बाहरी आता है, घटना कोई करता है, तो आप सोचते हो भैया उसका मामला है, वो आप जाके समझे। आप अगर ये सोचते हो तो ये गलत सोचते हो, क्योंकि अगर आज उसके साथ वो घटना हो रही है तो कल आप भी उसके शिकार हो सकते हो। आप उसके साथ कल घटना हो रही है आप देख रहे हो तो कल आपके साथ होगी तो वो भी देखेगा। इसलिए आप लोग उठिए, आवाज़ उठाइए, संघर्ष कीजिए और हम सब आपके साथ हैं। और अपने जो कि हमारे बहुजन समाज की आदर्श हैं देवी फूलन देवी, इनकी प्रतिमाएँ अपने घर रखिए, इनकी हर साल जयंती और पुण्यतिथि और वीरता दिवस अपने कार्यक्रम कीजिए। और आज हम लोग इस बस्ती में फूलन देवी का कार्यक्रम करने का प्लान कैसे आया, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करना चाह रहे थे, हमारा प्लान था कि सावित्री बाई फूले को जो कि सांसद हैं उनको कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाएं, लेकिन हमें सीओ गारापुर से परमिशन नहीं मिला। कारण ये था कि ठाकुरों का सरकार है और इन्होंने 22 ठाकुरों को मारा था, 22 ठाकुरों को मारा। मैं मानता हूँ कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, लेकिन 22 ठाकुरों ने उनके साथ क्या दरिंदगी की थी उसको भी तो देखना चाहिए। उन्होंने उनकी ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्होंने 22 ठाकुरों को मारा, उनके साथ गलत किया तब तो उन्होंने बदला लिया, ऐसे थोड़ी कोई मार देता है। और चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम अगले साल और भी बड़े पैमाने पर हो। और साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय फूलन देवी। वकील साहब आए हैं, सुनील भाई आए हैं, रूपचंद भाई आए हैं और आज 14 फरवरी कई मामलों में लोग जो है मनाते हैं, वैलेंटाइन मनाते हैं। पिछले साल जो है पुलवामा अटैक हुआ उसको भी लोग याद रखते हुए हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ी घटना थी 14 फरवरी 1981 को, जिसमें फूलन देवी ने सामाजिक बदला लिया था अन्याय का। इनके साथ अन्याय हुआ तो इन्होंने बदला लिया, हिम्मत दिखाया और जो आज बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाती हैं, जो आज न्यायपालिका नहीं कर पाती है, वो चीज़ एक महिला ने किया, अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लिया। और इसमें जो है अभी भाई वकील साहब ने कहा कि इसमें इस तरह से हम अपने बेटियों को, अपने बहनों को इस तरह से तैयार करें कि मतलब उनके साथ कोई भी अत्याचार करने की कोशिश करे, कोई भी अन्याय करने की कोशिश करे तो इतना हिम्मत उसके पास हो, इसी को आदर्श मान करके वो लोग कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आप लोग ये मुंह खोलना शुरू करेंगे, जिस दिन आप लोग विरोध करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपके साथ कोई अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करेगा।